तो हमारे सामने है पैकेज जिसके अंदर है एसेसरीज। तुरंत इस पैकेज को कट करते हैं और इसके अंदर है एक बॉक्स, फौरन इसे भी खोल देंगे हम। तो सब में पहले रखा हुआ है केस, वन प्लस का सैंडस्टोन केस है ये, काफ़ी अच्छा कलर है। और फिर एक 10,000 mAh का पावर बैंक। ये पावर बैंक ग्रीन कलर में मैंने मंगवाया है और ये सारे एसेसरीज वन प्लस की एनिवर्सरी सेल में जो है मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। वेल, केस और पावर बैंक के अलावा मैंने एक वन प्लस बड्स जी भी जो है ऑर्डर किया था, क्योंकि काफ़ी अच्छे बड्स हैं ये, वैल्यू फॉर मनी हैं और काफ़ी अच्छे सेल्स भी कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू दे चुका हूँ तो इस वीडियो में मैं नहीं करूँगा। तो ये है एक अडैप्टर, मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट एसेसरी है ये, 3.5 mm टू टाइप सी का अडैप्टर है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो सबसे पहले केस मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से वन प्लस 8T के लिए सैंडस्टोन केस है ये और काफ़ी अच्छा कलर है इसका। रेड केबल क्लब का एक कार्ड मिलता है इसके साथ में और कुछ भी नहीं है। और काफ़ी मैट फिनिश का केस है ये, वन प्लस का लोगो है पीछे और रफ़ फिनिश है, मैं कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छा है दिखने में। तो सारे पोर्ट्स और बटन्स के कटआउट्स भी एकदम परफेक्ट हैं, काफ़ी अच्छा लुक आएगा अगर आप ये अपने डिवाइस पे लगा लेंगे तो। तो अब बात करते हैं पावर बैंक की। ये है 10,000 mAh का पावर बैंक, जैसा कि मैंने बताया ग्रीन कलर का है, लिखा हुआ है 18W फास्ट चार्जर और कुछ बाकी के डिटेल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को खोलता हूँ। काफ़ी हल्का है ये पावर बैंक और काफ़ी अच्छा कलर भी लग रहा है। पावर बैंक के अलावा रेड केबल क्लब का कार्ड है और एक यूज़र मैनुअल है मेरे ख्याल से शायद, और एक कनेक्टर है अगर आपका डिवाइस माइक्रो USB है तो वो भी आप आराम से लगा सकते हैं, और एक टाइप सी का कनेक्टर भी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी अच्छा है पावर बैंक दिखने में और लंबा है, लिखा हुआ है नेवर सेटल। ब्लैक वाला काफ़ी बोर है तो इसलिए मैंने ग्रीन वाला चूज़ किया, विच इज़ गुड। बीच में एक टाइप सी का पोर्ट और दो USB पोर्ट आपको मिल जाते हैं। पावर बैंक के राइट साइड पे आपको एक पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा और इसके बीच में जो आप होल्स देख रहे हैं वो LED लाइट है, पावर बैंक की चार्जिंग जो है बताता। 18W की इसकी स्पीड है और 18W से आपका फ़ोन चार्जिंग भी कर देगा और उसी स्पीड में ये खुद चार्जिंग भी हो जाएगा। मैंने कुछ डिवाइसेस जो है इसमें टेस्ट किए थे और मैं टाइमिंग्स आपको दे दिया हूँ साइड में, और पावर बैंक कितनी देर में चार्जिंग हो रहा वो भी आपको मैं जो है राइट साइड में दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं रीडिंग्स। ये दूसरा पावर बैंक जो है ये भी 10,000 mAh का है और काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है ये फ़ोन। ये पावर बैंक थोड़ा सा लंबा है बट थोड़ा सा थिन है, जो कि चल जाएगा। और एक LED लाइट भी अगर होती तो अच्छा होता, इसमें LED एक लाइट है मेरे दूसरे वाले पावर बैंक में, बट इसमें आपको कोई LED लाइट नहीं मिलती। हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग टेक बिगबी। तो ये 3 एसेसरीज थे मैंने अपने वन प्लस 8T के लिए जो है ख़रीदा, और इस केस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और एक चीज़ मत भूलना, कमेंट ज़रूर करके जाना। टिल देन, गुड बाय।